दोस्तों, आपको 70 और 80 के दशक की हॉरर फिल्मों में भूत अनिरुद्ध अग्रवाल तो याद ही होंगे। इन्होंने अपनी खतरनाक एक्टिंग से हॉरर फिल्मों का रुख ही बदल दिया। बीते जमाने की फिल्मों में दर्शकों के बीच इनका एक अलग खौफ देखने को मिलता था। इन्होंने फिल्म पुराना मंदिर, बंद दरवाजा जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें इन्होंने अपने खूंखार एक्टिंग से सभी को डराया। ये फिल्मों में अपने डरावने रूप के लिए डरावनी एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से निर्देशकों की हॉरर फिल्मों के लिए भूत के लिए पहली पसंद यही हुआ करते थे। पर क्या दोस्तों, इस खौफनाक दिखने वाले एक्टर की पत्नी को आपने देखा है, जो बड़ी खूबसूरत है? कौन है इनकी पत्नी, कैसे दिखते हैं, आइए जानते हैं। पर जानने से पहले, अगर आप भी इस खूंखार एक्टर के दीवाने हैं तो लाइक तो बनता है। अनिरुद्ध अग्रवाल का जन्म 1 दिसंबर 1949 को हुआ। इनका असली नाम अजय अग्रवाल है। ये भारतीय फिल्मों के पूर्व अभिनेता रहे, जो डरावनी फिल्मों में अपने डरावनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने कई टीवी हॉरर शो में काम किया। 1974 में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अध्ययन इन्होंने किया, पर इसके बाद ये मुंबई चले गए, जहां इन्होंने एक इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया। इन्हें भारतीय फिल्मों में राक्षस, भूतों और खलनायक के रूपों के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पुराना मंदिर से की। इसके बाद इन्होंने बंद दरवाजा जैसी फिल्मों में काम किया। ये फिल्मों में अपनी डरावनी आवाज और अपने डरावने अंदाज के लिए जाने जाते थे। इनके एक दहाड़ से लोगों के मन में खौफ बैठ जाता। पर दोस्तों, बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मीनाक्षी वर्मा अग्रवाल है। आपको बता दें कि मीनाक्षी एक हाउसवाइफ है, इन्हें लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है। ये दिखने में बड़ी खूबसूरत है और खूबसूरती के मामले में किसी अभिनेत्री से कम नहीं है। इनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम कपिला अग्रवाल है। इन्होंने बंटी बबली से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। तो दोस्तों, आपको अनिरुद्ध अग्रवाल की वाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।